एवं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनको मैं अनुग्रह करूंगा कि वे हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके प्रतिमा को माल्यार्पण करें। साकोली थे शेंदुरबा ठिकाणी या पट्टाच्या ग्राउंडवर महाजनादेश विजय संकल्प सभा या ठिकाणी भारताचे लाडके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रजी मोदी आले आहेत। आदरणीय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी का स्वागत करने के लिए मैं हमारे भंडारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप जी पटोले एवं गोंदिया जिला के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी पटले, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे उनका स्वागत करें। तत्पश्चात हमारे पालक मंत्री एवं साकोली निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार तथा भंडारा गोंदिया लोकसभा के सांसद सुनील जी मेंढे हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात नारी शक्ति का सम्मान करने वाले हमारे करवट प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का स्वागत करने के लिए साकोली शेंदुरवा नगर परिषद की अध्यक्षा सौ धनवंता राउत, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। तत्पश्चात गोंदिया एवं भंडारा जिला के विधानसभा के उम्मीदवार सभी उम्मीदवार यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी का स्वागत करेंगे। सम्माननीय तारिक जी कुरैशी, इन्हें भी मैं आग्रह करता हूँ कि वे उनका स्वागत करें। गोंदिया जिला एवं भंडारा जिले के लाडले खासदार आदरणीय सुनील जी मेंढे, इनसे मैं अनुग्रह करूंगा कि वो स्वागत पर भाषण करेंगे। बोलो भारत माता की। आज के इस विशाल सभा में आए हुए मेरे भंडारा गोंदिया जिले के सभी मतदाताओं को मेरा सादर नमस्कार। हमारे लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में हम सभी को मार्गदर्शन करने हेतु अपने देश के महान सुपुत्र, इस देश के किसान और युवा वर्ग के लिए विकास की नई दिशा देने वाले अपनी भारत माता को विश्व गुरु बनाने हेतु कठोर से कठोर परिश्रम करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के लाडले पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी का मैं इस भंडारा जिले के साकोली शहर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सभा में मंच पर उपस्थित रिपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामदास जी आठवले जी, महाराष्ट्र के प्रभारी हमारे सुश्री सरोजताई पांडे जी, हमारे पालक मंत्री डॉक्टर प्रणय फुके जी और मंच पर सभी उपस्थित महानुभव का मैं फिर से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में
केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। इस सरकार ने आते ही बड़े तेजी से अपना काम करना शुरू किया है। हम सब ने देखा, हमारे लोकसभा के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा इस अधिवेशन में कामकाज हुआ है। इस पहले अधिवेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में कश्मीर का 370 का कलम रद्द करके हमने कश्मीर को मुख्य प्रवाह में लाया है, जिससे पूरा देश आज उल्लासित है। आने वाले दिनों में हमने पानी की समस्या से आगे बढ़ना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय अलग से चालू किया है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी भंडारा गोंदिया जिले में 23 अगस्त को पानी परिषद का यशस्वी आयोजन किया था, जिसमें हमारे दोनों भंडारा गोंदिया जिले के 700 से अधिक सरपंच शामिल हुए थे। भाई और बहनों, मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ, हमारे भंडारा गोंदिया जिले में धान की काफी मात्रा में पैदावार होती है। हमारा यह क्षेत्र राइस बाउल नाम से जाना जाता है। यहाँ धान की अधिक उपज हो, धान की प्रॉपर ब्रांडिंग हो, ग्लोबल मार्केट में उसकी बिक्री हो, इसके लिए किसानों को लाभ मिले, इस पर हमें काम करना है। और यहाँ हमारे क्षेत्र में खासकर हमारे झाड़ी पट्टी से 40 से ज्यादा प्रतिशत क्षेत्र हमारा भूमि जंगल से व्याप्त है। यहाँ दो व्याघ्र प्रकल्प भी है। मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसमें हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। मैं आज सभी मतदाताओं से विनती करता हूँ, जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में आपने मुझे यहाँ का खासदार बन के दिल्ली में भेजा, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे मंच पर उपस्थित सातों विधानसभा के उम्मीदवार को कमल निशान पर चिन्ह लगाकर आपने सभी को महाराष्ट्र के मुंबई भेजना है, और यहाँ की जो विकास की गति है उसको और तेज करना है। इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ, हमारे सातों उम्मीदवार को आपने आने वाले 21 तारीख को कमल छाप निशान बनाकर विजयी बनाएंगे। यही आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में भाजपा के यशस्वी कर्णधार, भारत के राजनीति के महानायक, विश्व नेता, पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूँ, को आए और इस विशाल सभा को संबोधित करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलो भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। मोदी है तो, मोदी है तो भारत माता की, भारत माता की। नमामि वैनगंगे, नमामि चुलबंद। सर्व बंधु भगिनना माझा नमस्कार। झाड़ी पट्टीतील सर्व धान उत्पादक शेतकरी बंधु भगिनींना माझा विशेष नमस्कार। या वर्षी धानाची फसल चांगली आहे ना? खरेच देवेंद्रजींनी दानाला बोनस दिल्यामुळे आपण खुश आहात ना? मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेत्री डॉक्टर सरोज पांडे जी, संसद में मेरे साथी भाई सुनील जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी रामदास आठवले जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण,
महायुद्ध के अन्य साथी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्रिय भाई और बहनों, पीछे इतनी भीड़ है कि नजर तो पहुंचती नहीं है भाई। आज आपने कमाल कर दिया है। मुझे लगता है भंडारा के लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को विशेष श्रद्धांजलि देने का मन बना लिया है। मैं लोकसभा चुनाव के दौरान पड़ोस में गोंदिया आया था, वहीं से पूरे भंडारा गोंदिया का आशीर्वाद मैंने आप सबके बीच आकर के मांगा था और आप सबने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि सारे पॉलिटिकल पंडितों के, जानकारों के सारे समीकरण गड़बड़ा गए। और आज फिर से जिस बड़ी संख्या में आप आए हैं उससे साफ है कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। आज महायुति की सरकार को दोबारा समर्थन के आग्रह के लिए साथ ही मैं पिछले चुनाव में मिले आशीर्वाद के लिए, उस आशीष के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए भी आपके बीच आया हूं। आप सभी ने हम सभी पर, भाजपा पर, महायुति पर जो निरंतर विश्वास दिखाया है, उसके लिए मैं आपके सामने शीश झुकाते हुए प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, नई सरकार बनने के बाद नई ऊर्जा के साथ हम सभी नए भारत की नई पहचान को गढ़ने में जुटे हैं। पूरी दुनिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन चुनौतियों से निपटने में भारत अब अधिक सक्षम दिख रहा है। ये सब कुछ हो पा रहा है आप सभी के विश्वास के कारण। ये आपका विश्वास है जो हमें निरंतर प्रेरित कर रहा है। ये आपका विश्वास है जो कड़े और बड़े फैसले लेने की शक्ति दे रहा है। ये आपका विश्वास है जिसके कारण हम ऐसे मजबूत कदम उठा पा रहे हैं और जिसे उठाने में पहले लोग डगमगाते थे, डरते थे, झिझकते थे। आज से 5 वर्ष पहले अक्टूबर के महीने में ही, जब मैं महाराष्ट्र विधानसभा के लिए आपका समर्थन मांगने आया था, तब मैंने आपसे क्या कहा था आपको याद है? भूल गए? आपको याद है क्या? मैं आपको याद दिलाता हूं। तब मैंने आपको कहा था कि आप हमें महाराष्ट्र में अवसर दीजिए, हम आपको स्थिर सरकार और सशक्त नेतृत्व देंगे।
आपने हम पर जो विश्वास किया उसी का परिणाम है कि देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में एक मजबूत और युवा नेतृत्व महाराष्ट्र को मिला है। फडणवीस जी ने पूरे महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के हर नागरिक को समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ नेतृत्व दिया है, सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया है। बरसों बाद महाराष्ट्र को ऐसा नेतृत्व मिला है जिसको संपूर्ण महाराष्ट्र का प्यार मिला है, स्नेह मिल रहा है। भाइयों और बहनों, बांटने और छांटने वाली राजनीति अब अतीत हो गई है और इसका ट्रेलर आप सभी ने 2014 में दिखा दिया था और इस चुनाव में आप लोग पूरी फिल्म दिखा देने वाले हैं। जो काम करेगा उसको ही आपका विश्वास मिलेगा, ये अब सिद्ध हो चुका है। इसको लेकर अब देश में कोई शंका या आशंका नहीं है। 5 वर्ष पहले हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम शुरू किया था, अब उस मंत्र को 130 करोड़ भारतीयों का विश्वास भी मिला है। इसी विश्वास के साथ महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में नई ऊर्जा के साथ काम हमने तेज गति से आगे बढ़ाया है। साथियों, ये सच है कि आज महाराष्ट्र के गांव गांव घर घर में शौचालय पहुंचे हैं। ये भी सच है कि आज महाराष्ट्र के गरीब से गरीब के घर की भी, और उसमें भी गरीब का घर भी रोशन हो रहा है। आज महाराष्ट्र की गरीब से गरीब बहनों की रसोई भी एलपीजी गैस पर पक रही है। वो व्यक्ति जिसके लिए कभी अपना घर सपना होता था, उसको पक्के घर का विश्वास भी मिला और आस भी जगी है। वो गरीब जिसके लिए अस्पताल में जाकर इलाज करना असंभव लगता था, वो आज अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज का हकदार बन गया है, लाभ ले पा रहा है। ये सारी बातें आज हकीकत है और वो हिंदुस्तान के हर गांव में जमीन पर दिख रहा है। लेकिन ये तमाम सुविधाएं सिर्फ जन कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सोच बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। भाइयों और बहनों, आज हमारी हर नीति, हर रणनीति जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की है, जन अभियान से राष्ट्र निर्माण की है। आज देश उस रास्ते को पीछे छोड़ आया है जहां सिर्फ क्षेत्र, वर्ग, समुदाय के आधार पर योजनाएं बना करती थी। साथियों,
चाहे गरीबों के घर का निर्माण हो, शौचालय का निर्माण हो, एलपीजी गैस कनेक्शन हो, हर घर बिजली कनेक्शन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, हर परिवार का बैंक खाता हो, इन तमाम योजनाओं के केंद्र में आज गरीब है, सामान्य जन है। और ये गरीब कौन है, ये कहां का है, इसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, जाति कौन सी है, वर्ग कौन सा है, संप्रदाय कौन सा है, ये हमारे लिए अहम नहीं है। हमारे लिए वो मां भारती की संतान है, भारत का नागरिक है। हमारे लिए वो हमारा किसान है, हमारा आदिवासी है, वंचित है, शोषित है, ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार का अटूट हिस्सा है। यही भावना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, संत तुकाराम और संत शांताजी महाराज की थी। भाई और बहनों, देश के सामान्य मानवी का सशक्तिकरण हम कैसे कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण भी आपको देता हूं। साथियों, किसानों के लिए पहले जो योजनाएं बनती थी उसमें तुरंत की जरूरतों पर ही ध्यान दिया जाता था। इस वजह से उन योजनाओं का व्यापक और दूरगामी लाभ नहीं पहुंच पाता था। हमने इस स्थिति को बदलने का गंभीर प्रयास किया है। हमने किसानों की समस्याओं को उनके संपूर्ण समाधान के लिए कदम उठाए हैं। सिंचाई से लेकर कमाई तक का एक बड़े विजन पर काम किया जा रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में विदर्भ में, भंडारा गोंदिया में कितना काम हुआ है, इससे आपसे ज्यादा भला कौन जानता है। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। आप सभी तो साक्षी रहे हैं, ये घोसी खुर्द डैम का काम कितने दशकों से अटका हुआ था, लेकिन आज ये डैम भी बन चुका है और भंडारा के साथ साथ नागपुर और चंद्रपुर जिलों के किसान परिवार को भी लाभ पहुंचा रहा है। साथियों, जल संपदा से उसके संरक्षण और निर्माण की गति तेज करने के लिए हमने अब दो और बड़े कदम उठाए हैं। साथियों, पहले पानी के मामलों को अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग देखते थे, सब बिखरा पड़ा था, साइलो में था। इसका एक असर ये भी था कि पानी से जुड़ी योजनाएं पूरा होने में वर्षों लग जाते थे। अब ये सारे विभाग जल शक्ति मंत्रालय के तहत गए हैं, उनके तरह लाए गए। दूसरा काम हमने ये किया कि सरकार बनते ही जल जीवन मिशन शुरू कर दिया। आने वाले 5 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए पानी के संसाधन जुटाने में, वर्षा के जल के संरक्षण में और हर घर जल पहुंचाने में खर्च किया जाएगा। साथियों,
इस मिशन से न सिर्फ हमारे धान के किसान, हमारी बहनों का जीवन आसान होगा, बल्कि पानी के इंतजाम में उनका समय जो बर्बाद होता था वो भी बचने वाला है। हमारी माताएं बहनें वहां तालियां बजा रही है। यही नहीं, जब शुद्ध पानी मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारा पशुधन भी स्वस्थ रहेगा। पर्याप्त पानी मिलने से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों का भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। भाइयों और बहनों, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अब जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। गांव की सड़कों पर पहले ही तेजी से काम चल रहा है। अब आने वाले वर्षों में गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गांव के लिए 25 लाख करोड़ रुपए। इससे गांव में खेतों के आसपास ही आधुनिक गोदाम बनेंगे, जहां किसान अपनी उपज को लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द भी स्टोरेज की सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ किसानों को सीधी मदद पर भी जोर दिया जा रहा है। चाहे बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करना हो, या फिर किसान परिवारों को पेंशन देने की योजना, इससे उन्हें नया आत्मविश्वास मिल रहा है, नया संबल मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने आपको आश्वस्त किया था कि पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में हर किसान परिवार को लाया जाएगा और छोटे किसानों को पेंशन की सुविधा से जोड़ा जाएगा। आज ये दोनों वायदे हकीकत में बदल चुके हैं। महाराष्ट्र के लाखों किसान परिवारों के बैंक खाते में बीते 6-7 महीने के भीतर ही करीब 2000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। जिन परिवारों को आधार की लिंकिंग के कारण या फिर दूसरी तकनीकी मुश्किलों के कारण अभी तक मदद नहीं पहुंच पाई है, उनको भी जल्द ही ये मदद मिल जाएगी। भाइयों और बहनों, सीधी मदद के साथ साथ धान सहित तमाम फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी बीते 1-1.5 साल में की गई है। और हां, किसानों से जुड़ी एक और पुरानी मांग को भी भाजपा की महायुति की सरकार ने पूरा किया है। साकोलीकर, तुम्ही भूमिधारी ते भूमि स्वामी जालात ना? अरे बोला ना, जाला ना। स्वातंत्र्यापासून जे नाही झालं ते कुणी केलं? कुणी केलं? त्यासाठी भाजपाचे सरकार यावे लागले ना, यावे लागले ना। साथियों, किसान की कमाई से ही जुड़ा एक और कदम, जिसका निश्चित लाभ विदर्भ और महाराष्ट्र को मिलेगा, और वो है पशुओं का टीकाकरण।
पहली बार पशुओं के टीकाकरण का एक बहुत व्यापक अभियान पूरे देश में हाल में शुरू किया गया है। मुंह और खुर की बीमारियां, फूट एंड माउथ डिसीज, इससे हमारे पशुधन को बचाने का यह अभियान हमारे किसान परिवारों को बहुत बड़ी राहत देगा। इससे पशुओं के इलाज में होने वाला खर्च भी बचेगा, अकाल मृत्यु के कारण नुकसान भी नहीं होगा और स्वस्थ पशुधन से आर्थिक लाभ भी अधिक होगा। भाइयों और बहनों, हमारा संकल्प किसानों के साथ साथ आदिवासी समाज, श्रमिकों और छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के लिए भी है। श्रमिकों के लिए और छोटे दुकानदारों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा शुरू की गई है। जनधन बैंक खाते खुलने से आदिवासी अंचलों, दूर सुदूर के गांवों का आर्थिक समावेश हो रहा है। यहां जो हमारे श्रमिक साथी हैं, मेरे आदिवासी परिवारजन हैं, जो निर्माण के कार्यों से जुड़े हैं या फिर दूसरे श्रम कार्य से जुड़े हैं, उनको पहले अपना पैसा पाने के लिए भी समस्या होती थी, अब आपका पैसा सीधा आपके बैंक खाते में मिल रहा है। अब आपका डाकघर ही आपका बैंक बनता जा रहा है और आपका डाकिया बैंक बाबू। साथियों, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर आज चारों दिशाओं में नए नए प्रकल्पों के द्वारा तेज गति से काम चल पड़ा है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा और उनके स्किल को बढ़ाने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। हाल में ही देश भर में 462 ऐसे स्कूल बनाने का अभियान, एकलव्य स्कूल बनाने का अभियान शुरू भी हो चुका है। इसी तरह आदिवासी अंचल में पर्यटन को रोजगार निर्माण के अहम साधन के रूप में विकसित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, आपने मीडिया और सोशल मीडिया में देखा हो भी होगा, आज भारत पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में टूरिस्ट भारत आ रहे हैं। कल ही मैं तमिलनाडु के महाबलीपुरम में था, वहां जब चीन के अतिथियों से मेरी बातचीत हो रही थी तो वो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि से बहुत प्रभावित थे, बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। अपनी संपन्नता का, इसी शक्ति का विस्तार करने के लिए अब निरंतर काम किया जा रहा है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र तो जंगलों से भरा है, तालों, तालाबों और झरनों से समृद्ध है। यहां पर्यटन के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। आदिवासी समाज द्वारा तैयार होने वाले उत्पाद भी, उसमें अनेक विविधताएं, उससे इलाका भरा पड़ा है। चुलबन नदी और नागजीरा नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाना जरूरी है। यहां नई सुविधाओं का विकास जब होगा
तो यहां के पर्यटन को चार चांद लग जाएंगे। इससे यहां के युवा साथियों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। मेरा यहां के युवा साथियों से आग्रह रहेगा कि गेस्ट हाउस, होम स्टे और कैंप साइट जैसे कारोबार से ज्यादा नौजवान जुड़े। अब तो मुद्रा जैसी योजनाएं के तहत इस प्रकार के व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण भी उपलब्ध किया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं और अपने परिवार के, महाराष्ट्र के, भारत के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका को और सशक्त करें। भाई और बहनों, देश के विकास के लिए हम सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार और महाराष्ट्र में महायुति की शक्ति महाराष्ट्र के विकास को और नई ऊंचाई पर ले जाएगी, लेकिन इसमें आपका योगदान भी बहुत आवश्यक है। ये योगदान 21 अक्टूबर को मतदान केंद्रों पर दिखेगा। आइए स्थिर, समर्थ और समावेशी सरकार के लिए 21 अक्टूबर को महायुति के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिताएं। और इस बार क्या मुसीबत है, क्या विशेषता है, 20 तारीख को संडे है, 21 को मंडे है, और जब दोनों छुट्टियां साथ आ जाती है तो मन करता है चलो जरा रिश्तेदार के यहां हो आए, इधर उधर चले जाएं। मेरा आपसे आग्रह है, भले दो दिन साथ साथ छुट्टियां आई हो, लेकिन इस बार हमारी छुट्टी महाराष्ट्र की प्रगति के लिए हम समर्पित कर देंगे, महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर देंगे। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, मैं बोलूंगा पुनः आनुया और आप बोलेंगे आपले सरकार, बोलेंगे ना, जोर से बोलेंगे। वो दूर दूर खड़े हैं वो भी बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे पुनः आनुया, पुनः आनुया, पुनः आनुया, पुनः आनुया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तुकाराम महाराज, जय संताजी महाराज, जय भीम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।